श्री फूड फूड सूरत से, और आज हम एक स्पेशल जगह आए हैं। एक वन डे ट्रिप आप जैसे कर सकते हो वहाँ पे आए हैं। हम आए हैं चौकीदानी में। आपने काफ़ी सारे लोग ने नाम सुना होगा। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि एक विलेज टाइप रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट मिल जाता है, कुछ फन एक्सरसाइज मिल जाती है, साथ साथ में राजस्थानी फूड मिल जाता है। पूरा कल्चर राजस्थानी फूड जैसा है, तो हम वही शूट करेंगे। तो चलिए चलते। लोकेशन मैं आपको बता दूँ तो मैं गूगल मैप के आपको लिंक ही दे दूँगी, क्योंकि कड़ोदरा हाईवे पर आता है तो आपको गूगल को फॉलो करके ही आना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। एंट्री काफ़ी स्पेशल है, तो चलिए चलते हैं। ये 2009 से चालू है, 2009 से चालू है। राजस्थानी थीम पे बनी हुई है चौकीदानी नाम से, और ये सूरत में कड़ोदरा के पास में ही 2 किलोमीटर दूर है। और इसमें पूरा सब कुछ कल्चर प्रोग्राम वगैरह होते हैं, खाने का होता है पूरा। शाम को 4 बजे चालू होता है, रात को 11 बजे तक कंटिन्यू चलता है। और खाने में 25 प्रकार की वेराइटी होती है, अलग अलग प्रकार। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती तीनों होते हैं। फिर अंदर राइडिंग है, गेम जोन है, स्नैक्स है, 3-4 चीज़ चार्जेबल भी है, जो घोड़ा गाड़ी हो गई, ट्रेन हो गए, ऊँट हो गए, वो सब है पूरा। मतलब 3 बजे से 11 बजे तक फुल इंजॉय होता है एकदम। ऐसी मतलब ये पूरी राजस्थानी थीम पे बनाई हुई है, पूरी फुल इंजॉय होता है, फुल एकदम। कस्टमर आए तो खुश हो जाता है इसमें, भाई देख के क्या मज़ा आ गया। हमारे यहाँ की टिकट है 600 रुपये एडल्ट का है, और 300 रुपये चाइल्ड का है, 3 साल से 9 साल तक। और उसके अंदर खाना और प्रोग्राम सब आ गया, राइडिंग, स्नैक्स, गेम जोन, 3 चीज़ नहीं, बाकी सब आ गया, खाना आ गया, प्रोग्राम आ गया 600 रुपये के अंदर जी। 600 रुपये के अंदर अनलिमिटेड खाना होता है, 25 आइटम है फिक्स, वो अनलिमिटेड खाना है। हम अंदर आ चुके हैं चौकीदानी में। जैसे आपने देखा पूरा कि बहुत ही अच्छा बिग जाइजेंटिक विलेज टाइप है। मैं काफ़ी एंजॉय करने वाले हूँ यहाँ पे। जैसे उन्होंने सब गाइडेंस मुझे अभी बताया कि काफ़ी अलग अलग एरिया पे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम वही सब ट्राई करेंगे। एंट्रेंस में पहले तो मैं आपको एक चीज़ स्पेशल बता दूँ, चलिए ट्राई करें। अच्छा, मेरी गाड़ी में बैठ जाने वाला सीन है ये, मैं खुद ही चलाऊँगी, खुद ही बैठूँगी। यहाँ पे आप सेल्फी भी ले सकते हो, वैसा वाला भी है। चलो सेल्फी लेके भी दिखा देते हैं आपको। काफी अलग अलग एरिया है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग मतलब अच्छा मिलेगा। हम ये ट्रेन से अपने सवारी देखिए, इसके अलग से चार्जेस है, लाइक 30 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा ये चार्जेस आने के लिए। पर आप छोटे बड़े कोई भी कर सकते हैं, हमने भी ट्राई कर दिया। आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस। मतलब काफ़ी एंजॉयबल है और काफ़ी मतलब फन लविंग है। अगर आप फैमिली के साथ आते हो और या फिर फ्रेंड्स के साथ आते हो,
काफ़ी एंजॉय करोगे। मैंने अभी जैसे ट्रेन राइड किया, हॉर्स राइड किया, हॉर्स कार्ट राइड किया अभी तक, एंड आई थिंक दिस प्लेस इज वेरी गुड, वेरी पीसफुल। आप देखोगे एकदम पीसफुल जगह है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी आपको शोर शराबा एकदम शांति से, अगर आप रिलैक्स करने भी आ सकते हो तो आ जाइए। यहाँ पे पीछे ही आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने हॉर्स कार्ट राइड कर ली है, अभी हम जाएंगे हॉर्स पे और कैमल पे, एंड विच इज़ वेरी गुड। अभी यहाँ पे सारे शोज स्टार्ट होते हैं, हमने उनको एंट्रेंस में बताया कि काफ़ी अलग अलग शोज होते हैं यहाँ पे, जैसे घूमर डांस होता है, बंदर का शो होता है, तो वही सब हम देखेंगे। आपको आज के वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप यहाँ पे क्या क्या एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए आगे सरक जाइए मैम, आप पैर ऊपर रखिए, इस पर रखिए, इधर वाला पैर चल बैठ, दीवार लगेगी नहीं निकालना, पीछे से पूरा पैर लगता है, आगे सरक जाओ पूरा, आगे आगे मैम, बेले में पीछे जैसवा ना जाओ, धीरे धीरे पकड़, धीरे 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 जैसे आपने देखा कि मैं कैमल राइड पे थी, कैमल राइड इज़ वेरी गुड, बट एकदम शांति से एकदम मज़ा आ गया, थोड़ा सा डर लग रहा था बट काफ़ी मज़ा आया मुझे। अभी हम दूसरी राइड करेंगे, हॉर्स राइडिंग। पीछे आप देख रहे हो बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, छोटे बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। आप यहाँ पे आप चिल भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक राइड करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो, एकदम शांति से ऐसे चिलिंग वॉकिंग भी कर सकते हो, काफ़ी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ आप देख रहे हो जाइंट व्हील, छोटा जाइंट व्हील स्लाइडिंग। हेलो, जस्ट हैव माई हॉर्स राइडिंग, बहुत ही मज़ा आया, लाइक हॉर्स बहुत ही शांत था, यहाँ के मतलब जो केयरटेकर जो मतलब है उनके काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एकदम शांत है, एकदम प्रॉपरली केयर करके हमको बिठाते हैं, आपको ऐसा डरने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम एन्जॉइंग अ लॉट। अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ आगे क्या क्या है। अभी हमने राइडिंग वगैरह थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह कर लिया, मतलब खेलने वालने का हो गया हमारा, अब हम कुछ एंटरटेन सा देखेंगे, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ यहाँ पे गाय है, हाँ यहाँ पे वो उनका चारा देता है। यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होने वाला है, लाइक आप पीछे देख सकते हो मेरे एग्जैक्ट पीछे डांस प्रोग्राम होता है, घूमर होता है, तो आई एम एंजॉइंग क्योंकि मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं यहाँ पे जाऊँगी, मैं आपको डांस भी दिखाऊंगी। यहाँ पे पीछे आप सिटिंग अरेंजमेंट भी है, मतलब आप बैठ के आराम से देख सकते हो, और अगर सिटिंग वहाँ पे नहीं बैठना है तो यहाँ पे खटिया भी है, खटिया पे भी देख सकते हो। तो चलिए उनका डांस देखो।
डांस शो, मैजिक शो, और अब हम आए बंदर के शो में। ये हमारे जैसे ही है बिल्कुल एकदम से। अब देखेंगे वो क्या शो कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। लो जरा तैयार हो जाओ इधर में, मांगी लाल जी आप भी जरा पहलवान जी। भाई पहला नंबर आपको यहाँ खेल दिखाने का, तुम जरा दो मिनट के लिए नीचे आके बैठ जाओ। बदन कैसे बनेगा? ओ चलो धीरे धीरे जाना। ये टाइम पे बेटा कसरत कैसे होती है पहलवान आदमी की? तो मंजिल शो खत्म हो गया, अभी हम थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करने आए हैं। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम ऑर्केस्ट्रा है, वो भी ज्यादा है, आपको मजे ऐसे एंटरटेन करेंगे। यहाँ पे सिंगर है तो चलिए एंजॉय करते हैं। इट्स कराओके सेशन यार, कराओके मतलब आप एक खुद गा के जाके वहाँ पे गा सकते हो। लेट्स ट्राई, कौन कौन ट्राई करने वाला है? रिसेप्शन से बाहर आते हो जिस वहाँ पे फर्स्ट काउंटर है, यहाँ पे जूस का काउंटर, लाइक आपको नींबू पानी जरूर मिलेगा। तो हम भाई एक बार ट्राई करते हैं। थैंक यू। Refreshing. This is fun park. यहाँ पे इस तरह का पार्किंग, जैसे आप ये देख रहे हो आप ऊपर बैठ के चिल भी कर सकते हो, लाइक एंजॉय वॉट एवर। आप यहाँ पे हुक्का सेशन भी एंजॉय कर सकते हो। दिस वन इज हुक्का सेक्शन, और ये सेम हुक्का बार आप जो है ना यहाँ पे चम्पी भी होता है। सी दिस चम्पी, यहाँ पे मिरर भी है। यहाँ पे चाट कॉर्नर, यहाँ पे चाट मिलती है। यू कैन हैव चाट, यहाँ पे जो नींबू पानी के बाजू वाला जो काउंटर है वहाँ पे चाट मिलती है, तो हम चाट ही ट्राई कर रहे हैं। चलिए ट्राई करते हैं। नाइट व्यू काफी अच्छा लग रहा है, लाइक थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग आप देख रहे हो, नाइट व्यू काफी अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ की दोनों एंजॉय करनी चाहिए, लाइक मॉर्निंग व्यू भी, दोपहर का व्यू और शाम का व्यू भी, स्पेशली नाइट। तो ये गेम जोन है, मैंने पकड़ लिया है बाण, मुझे चलाना बिल्कुल नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। भैया कैसे चलाते हैं इसको, मतलब इधर ऐसे रखते हैं? अरे उल्टा ऐसे पकड़ते हैं, तो ये ऐसे पकड़ते हैं। ओके ठीक है, सॉरी मेरे को बिल्कुल नहीं आता। ओके ऐसे मेरा तो गायब हो गया, तो मैंने अब जाएगा। तो हम घूमते घूमते गेम जोन भी घूमते घूमते हम आ चुके हैं स्लाइडिंग की ओर। स्लाइडिंग काफ़ी अच्छा बनाया है, जंगल बुक जैसा। पीछे आप देख रहे हो जंपिंग भी है बच्चे लोग के लिए, वहाँ पे भी था, मुझे जाने नहीं दिया बिकॉज बोल रहे थे कि वेट ज़्यादा है। चलो ऊपर चलते, मैं आपको बताऊँ क्या है ऊपर। वाओ दिस इज स्लाइडिंग। लाइट्स, लाइट बहुत अच्छी है, मैं काफी अच्छी दिख रही हूँ उसमें। तो हम आए, ये ऐसा एक सेक्शन है जहाँ पे आपको लाइव रोटला, मतलब गर्मा गर्म रोटला मिलता है, उसके साथ आपको मक्खन गौड़गी जो भी खाना है वो मिलेगा। ऊपर जाके मैं आपको बताती हूँ लाइव रोटला कैसे बनता है। चलिए चलते हैं ऊपर से, यहाँ से सीधा जाना है। चलिए
नहीं, कौन सा रोटला बन रहा है ये? बाजरी का। बाजरी का? हाँ। अच्छा, इस पे चूल्हे पे बनता है? हाँ। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठ कर भी खा सकते हो। हाँ। तो लोग तो खा ही रहे रोटला। अच्छा, કેવું છે રોટલા? સારું છે, સારું છે। राजस्थान की भाषा में लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी खा के बहुत मजा आ गया। मीडिया है अपने चौकी डोनी में, बहुत ही अच्छा मजा आया हमारे को। ये रोटला और ये अपना लहसुन की चटनी और गुड़ खाने में बहुत ही मजा आया। ये भवन भाई पटेल अपने सूरत के है, और इनका आप चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलोअर्स बढ़ाना। ये क्या है? गुड़। अच्छा, डालो। फोन करो ना इधर। बटर मारवाड़ी देनो कपड़े की। मारवाड़ी टेस्ट करके बताओ। टेस्ट किया आपने? हाँ, टेस्ट किया। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बेहतरीन टेस्ट है। बहुत बेहतरीन टेस्ट है। जो जैसे काठियार में ओरिजिनल टेस्ट मिलता है। हाँ। The same taste is here। आपने क्या क्या ट्राई किया? लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी है, मक्खन है और गुड़ है। अच्छा। तीनों मिला के खाते हैं तो जो काठियार में खाते हैं। हाँ। इस टाइप का ही टेस्ट है यहाँ पर। मजा आई आपको? आप पूरा घूमे आप? लाइव रोटला विद लॉट्स ऑफ घी, बटर, मक्खन मार के एंड गुड एंड लहसुन की चटनी। चलिए ट्राई करते हैं। एकदम गर्मा गर्म है ये तो, विथ लहसुन की चटनी एंड बहुत ज़्यादा ले लिए। मज़ा आ गया। गुड़ खा दें। ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। अब हम जा रहे हैं मेन खाने की तरफ, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड खाना मिलेगा। राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी तीनों तीन मिलते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी क्या क्या खाना अवेलेबल है यहाँ पे। तो चलिए, तो हम आ चुके हैं एंड और गया। और जैसे मैंने आपको बताया था, हम खाना खाने जाएंगे जहाँ पे मैंने आपको बताया था काफ़ी अनलिमिटेड डिशेज मिलती है। राजस्थानी फूड मिलता है, गुजराती, पंजाबी तीनों तीन फूड मिलते हैं। हम आए हैं एकदम एंड के कॉर्नर में। आपको पूरा आप घूम लोगे ना, उसके बाद आपको भूख लगेगी, तो आप यहीं पर आ जाइएगा। तो चले, मैं आपको यहाँ पे खाने का। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक हॉल है जहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हो एकदम देसी स्टाइल में, यूनिक सिटिंग अरेंजमेंट है। फुल थाली के साथ आपको नीचे ही बैठ के खाना है। तो आपको मैं बताऊँगी क्या क्या खाना है, टेस्ट है। ऐसे उनके काफ़ी सारे रूम्स हैं, मतलब हम एक रूम में आए, ऐसे काफ़ी सारे रूम्स हैं, आप कोई भी रूम ले सकते हो। तो लेट्स ट्राई। तो ये जैसे आपने देखा कि खाने की थाली हमारी भर चुकी है। द वेरी फर्स्ट इज दाल बाटी, सलाद है, चूरमा, पापड़, चटनी, लहसुन की चटनी, अचार एंड सलाद। ये है पनीर की सब्जी, गट्टे की सब्जी, मतलब जो चने की गट्टे की होती है वो है, मिक्स सब्जी है, कढ़ी है, तो ये छोटे छोटे भजिया हैं, ये मालपुआ है, नहीं साथ साथ में एक छोटे बाजरे का रोटला आता है, और आपको रोटी चाहिए तो रोटी भी मिल सकती है। मैंने दोनों एक एक ले लिया है। साथ साथ में आपको पानी और बटर मिल्क मिलेगा। तो चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। वेरी फर्स्ट विल ट्राई दाल बाटी, साथ में हम थोड़ा सा लहसुन की चटनी डाल देते हैं उसके अंदर, बिकॉज दाल बाटी जो है लहसुन की चटनी के साथ ही अच्छी लगती है। नहीं,
बहुत अच्छी लग रही है दाल बाटी, इज़ वेरी गुड। ये है कुरमुरे भजिए, उसको हम चटनी के साथ खाते हैं। पापड़ी, रोटी सब्जी ट्राई करते हैं। हम ट्राई करेंगे भट्टे की सब्जी के साथ, स्वीट एंड स्पाइसी का मिक्सचर है। अब हम ट्राई करेंगे, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ये जो खाना हमने जो खाया था ना, वो अनलिमिटेड खाना था, मतलब फिर भी आप एक ही बार ले सकते हो, क्योंकि इतने अच्छे से वो लोग देते हैं ना, इतने अच्छे से आप खा लेते हो ना, अनलिमिटेड, जैसे आपको ऐसा होता ही नहीं कि मैं और लेके खाऊँ। इतना अच्छा खाना था, एकदम हेल्दी वर्जन का खाना था, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आप भी आइए यहाँ पे चौकी जाने में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्री बुकिंग कर लीजिए, पूरा दिन स्पेंड कीजिए यहाँ पे, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हम यहाँ पे 3 o'clock अराउंड 3 o'clock को निकले थे, अराउंड 4:45 आ गए थे, अभी बजे 8 बजे हमने खाना खा लिया है, तो मतलब इतना आप आवाज़ लेके आएगा, आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे एंजॉय करने का। जैसे मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया, सब कुछ एंजॉय कर सकते हो विद खाना ऑल्सो, तो आप भी यहाँ पे आइए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट इन सूरत।